आपको रायपुर से ही बता रहे हैं, जहां चुनावों पर बीजेपी की अहम बैठक आज होने वाली है। नगरीय निकाय चुनाव की समीक्षा होगी, पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी समेत तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। तुरंत पंचायत चुनाव में जुटना चाहती है बीजेपी। खबर आपको बता रहे हैं, तुरंत ही पंचायत चुनाव में अब बीजेपी जुटना चाहती है, लिहाजा इन्हीं सब बातों को देखते हुए एक बैठक आयोजित की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जिसमें समीक्षा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हेमंत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, जैसा कि नगरीय निकाय चुनाव में अब रुख पंचायत चुनाव को लेकर के बीजेपी का रहने वाला है, जिसको लेकर समीक्षा बैठक वो करने वाली है, क्या अपडेट उस पर और मिल पा रहे हैं हेमंत? देखिए भूषण, नगरीय निकाय को लेकर 21 दिसंबर को वोटिंग हो गई है और उसमें बीजेपी ने किस तरीके से वहां पर तैयारी की थी और पूरा किस तरीके से जो बीजेपी का महकमा है उसने चुनाव लड़ा, तो इसी की समीक्षा करने आज बीजेपी के एक बड़ी बैठक कुशभाव ठाकरे जो प्रदेश कार्यालय है बीजेपी का वहां पर होने जा रही है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित कई दिग्गज नेता बीजेपी के इसमें शामिल रहेंगे। इसमें नगरीय निकाय चुनाव किस तरीके से लड़ा गया, क्या क्या चीजें इस दौरान घटना हुई और रिजल्ट किस प्रकार का आने वाला है उसकी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। और इसके अलावा जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 फरवरी के आसपास जो पंचायतों का गठन है और जो शपथ दिलवाना है प्रतिनिधियों को, वो काम पूरा करना है। तो ऐसे में पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के लास्ट सप्ताह में चुनाव, पंचायत चुनाव हो सकता है, इसीलिए तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू करनी कर दी है और आज रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि पंचायत चुनाव की बात की जाए तो जिला पंचायत, जनपद पंचायत और जो सरपंच का चुनाव है वो उसमें होता है, उसमें पार्टी लेवल एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से पार्टी वहां पर चुनाव नहीं लड़ती, वहां पर व्यक्तिगत तौर पर चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि वहां पर छाप भी किसी पार्टी का नहीं रहता, लेकिन समर्थन बाहर से पार्टियों के द्वारा प्रत्याशियों को मिलता है। तो पंचायत चुनाव को किस प्रकार वहां पर क्रियान्वित किया जाए और किस प्रकार से वहां पर जो उनके प्रतिनिधि हैं उनको वहां से जिताकर लाया जाए, तो पूरी रणनीति आज बीजेपी इसको लेकर बनाती नजर आएगी। दूसरा जी, और जैसा कि समीक्षा बैठक ये आयोजित की जा रही है, लेकिन इसमें शामिल कौन कौन हो सकता है हेमंत? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, संगठन नौ महामंत्री हैं पवन साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी। इसके अलावा नगरी निकाय के प्रभारी इसमें शामिल होंगे, जिन्होंने पूरे नगरी निकाय के चुनाव के दौरान टिकट वितरण में भूमिका निभाई, इसके अलावा चुनाव संचालन में भूमिका निभाई, सभी को बैठक में बुलाया गया है, सभी से चर्चा होगी और एक तरीके से समीक्षा की जाएगी नगरीय निकाय की, आखिरकार बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़ी और परिणाम क्या आने वाला है, परिणाम को लेकर भी यहाँ पर जरूर चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी काफी चिंतित है, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है बीजेपी की, तो इसलिए परिणाम को लेकर भी यहाँ पर समीक्षा होगी और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां भी अब शुरू हो जाएगी। हेमंत, काफी गौरतलब बात है, अगर बात कर ली जाए चुनावी वक्त की, यानी जिस वक्त मतदान चल रहा था, स्वराज एक्सप्रेस नजर भी बनाए हुए था और तमाम दिग्गजों से भी बातचीत की गई थी जो मतदान करने के लिए पहुंचे थे। इसमें पूर्व के एक मंत्री ने ये भी कहा था कि चिंता की बात बीजेपी के लिए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चुटकी लेते हुए वो नजर आए थे जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं, यानी बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे, उसको लेकर आपत्ति जाहिर की थी। और आप कह रहे हैं कि अब फोकस नतीजों को लेकर होगा, तो मीडिया एनालिसिस के हिसाब से अगर बात कर ली जाए, कितनी चिंता बीजेपी इस वक्त करती नजर आ रही है? हाँ, देखिए, पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल ने वो बात कही थी कल, वो मतदान करने वहां पर तात्यापारा वार्ड के बूथ क्रमांक में गए थे, उन्होंने बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ है उसको लेकर सरकार पर तंज कसा था और कहा था कि सरकार, जो छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि सरकार बोरा गई है,
और बिहा गई है। तो उनका ये कहना था कि जो आधुनिकता भी इस जमाने में है उसको पीछे करने की कोशिश वर्तमान सरकार कर रही है, लोगों को आगे ले जाने के बजाय पीछे ढकेल रही है। हालांकि उन्होंने प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया था, लेकिन निश्चित तौर पर जो सुगबुगाहट नजर आ रही है वो निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाली है। खास करके रायपुर के नगर निगम के वार्डों की बात की जाए तो काफी बड़ी संख्या में यहाँ से प्रत्याशी, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो जीत कर आने वाले हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि 70 वार्डों में करीबन 20 वार्ड ऐसे था जहाँ पर निर्दलीय भारी पड़े हैं दोनों प्रत्याशियों के तौर पर, तो ये चिंता बढ़ाने वाली है। हालांकि एडवांटेज यहाँ पर नगर निगम में देखा जाए तो कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। हालांकि 24 को ये पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा उसका। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। और आप खबर मध्य